आज की वीडियो में सीखेंगे बी बीइंग और बीन के प्रयोग जो कि अपने इंग्लिश स्पीकिंग में काफी यूज किए जाते हैं। गाइस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम बी बीइंग बीन के सभी प्रयोग सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बीइंग के प्रयोग, और बीइंग मीन्स होता है गाइस के नाते, होने के नाते या होने के बावजूद। ये तीन मीनिंग को लेकर हम बीइंग का यूज करते हैं। इसे बनाने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले हम लगाते हैं बीइंग, इसके बाद आपका आएगा कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपका कोई नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, और इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, आपका एक सेंटेंस होगा जिसमें आपका एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, इसे आप सेंटेंस कहेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा कि तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारा मदद किया, तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारा मदद किया। तो सेंटेंस बनाया जाता है कि बीइंग योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारा मदद किया, ही हेल्प्ड यू। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। कई सारे सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं, जैसे भाई होने के नाते वह तुम्हें डांटता रहता है, तो सेंटेंस बनेगा भाई होने के नाते मीन्स बीइंग अ ब्रदर, वह तुम्हें डांटता रहता है, ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाएगा। समझिए यहाँ पर बीइंग अ ब्रदर, भाई होने के नाते वह तुम्हें डांटता रहता है, तो सेंटेंस बनता है ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग। शिक्षक होने के नाते मैंने उन्हें बुलाया है, तो सेंटेंस बनाया जाता है बीइंग अ टीचर, मैंने उन्हें बुलाया है, आई हैव इनवाइटेड हिम। इस प्रकार से सेंटेंस बन चुका है। इसी प्रकार से आप अगला यूज समझते हैं बीइंग का यूज कैसे करते हैं। गाइस बीइंग के बाद आप एक एडजेक्टिव लगाते हैं, इसका मतलब होता है कोई काम हो रहा है प्रेजेंट में, पास्ट में कोई काम हो रहा था। इस प्रकार से इसमें बताता है कि चेंज ऑफ स्टेट, इट मीन्स कि जो स्थिति या अवस्था है उसमें बदलाव हो रहा है, वहां पर आप बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट होगा, इसके बाद आपका प्रेजेंट में आप इज एम आर लगा देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद आपका बीइंग, उसके बाद आपका लास्ट में एडजेक्टिव लगेगा। एग्जाम्पल इस प्रकार से देखिए, जैसे ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, वह तेज हो रहा है, मतलब कि स्थिति में बदलाव हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वह तेज पहले नहीं था, लेकिन वो तेज हो रहा है, स्थिति में बदलाव हो रहे हैं। इसी प्रकार से राहुल इज बीइंग स्ट्रांग, राहुल मजबूत हो रहा है, इसका मतलब ये कि राहुल पहले मजबूत नहीं था, स्थिति में बदलाव हो रहे हैं। इसी प्रकार से प्रिया इज बीइंग फैट, प्रिया मोटी हो रही है, इट मीन्स कि प्रिया मोटी पहले नहीं थी, स्थिति में बदलाव हो रही है, और हो रहा होना के सेंस में आप बीइंग का यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। जैसे यू आर बीइंग लेजी, तुम लोग आलसी हो रहे हो, इट मीन्स कि तुम लोग पहले आलसी नहीं थे, अभी से आलसी होना शुरू हो गया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट को। आगे समझते हैं गाइस, बीइंग के साथ आप फिर एडजेक्टिव लगाते हैं, और इसका मतलब होता है होना, कोई चीज होना, आप एग्जांपल से समझ पाएंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि बीइंग लगेगा आपका सबसे पहले, उसके बाद आपका एडजेक्टिव प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसे आप यूज करेंगे होना के सेंस में बीइंग के साथ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है, तो ईमानदार होना इसके लिए आप लिखेंगे बीइंग के साथ एडजेक्टिव, ईमानदार आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है जो कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से समझते हैं। इसे आप बोलते हैं बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना इज एसेंशियल, आवश्यक है इस काम में, इन दिस वर्क। इसी प्रकार से तुम्हारे साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है, इट मीन्स होगा कि बीइंग विद यू, तुम्हारे साथ होना इज प्लेजर, खुशी की बात है या खुशी महसूस होती है फॉर मी, मेरे लिए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं गाइस, जस्ट यूज कीजिए सेंटेंस को बनाइए।
जैसे कि आलसी होना मुझे पसंद नहीं है, तो कैसे बनाते हैं, आई डोंट लाइक बींग लेजी। अब बींग लेजी को आप ऑब्जेक्ट में यूज कर लिए, पहले तो आप सब्जेक्ट में यूज कर रहे थे, इस पर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं। ऐसे राहुल को अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो कैसे बोलते हैं कि बीइंग इंग्लिश नॉलेज, अंग्रेजी का ज्ञान होना इज नेसेसरी, जरूरी है फॉर राहुल, राहुल के लिए। इसी प्रकार से आगे समझते हैं, बीइंग के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई काम किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कोई काम किया जा रहा है, तो आप बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फॉर्मूला देखिए, जैसे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट आता है तो बाय के साथ आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। आप जनरली अगर मैं बताऊं तो ये जो सब्जेक्ट है आपका एक्टिव सेंटेंस का मतलब कि टेंस के सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये आपका जनरली सब्जेक्ट होता है, किसका, एक्टिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सड़क बनाया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, करने वाला कौन है पता नहीं, तो सेंटेंस बनेगा द रोड इज बींग बिल्ट, और ये बिल्ट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है इसलिए आप नहीं लिखेंगे। इसी बार से राहुल को अमेरिका भेजा जा रहा है, तो राहुल इज बींग सेंट टू अमेरिका, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। जैसे मुझे पीटा जा रहा है, आई एम बींग बीटन। गली सजाई जा रही है, द स्ट्रीट इज बींग डेकोरेटेड, इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है जिसमें कि काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, बशर्ते वो आपका लिखा जाए या लिखा ना जाए, वो आपका हाइट भी हो सकता है अनहाइट भी हो सकता है, अगर अनहाइट है तो बाय के साथ आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आगे गाइस बींग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है किए जाने से, कोई काम किए जाने से, फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि कैसे आप यूज करेंगे, इसे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, एग्जाम्पल में फॉर्मूला समझ में आता है। जैसे चोर अरेस्ट होने से डरता है, अब कैसे हो जाएगा, द थीप इज स्केयर्ड, चोर डरता है किससे, ऑफ बीइंग अरेस्टेड। बीइंग अरेस्टेड मतलब क्या, अरेस्ट होने से, अरेस्ट किए जाने से, मतलब कि चोर ही अरेस्ट होगा, चोर को अरेस्ट कौन करेगा, कोई और करेगा, मतलब कि पुलिस करेंगे, लेकिन यहाँ पर चोर डरता है किससे, अरेस्ट होने से, तो बीइंग अरेस्टेड आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से वह पिटने के बारे में सोचकर चिंतित रहता है, तो बनेगा ही इज वरिड अबाउट बीइंग बीटन, अब सोचकर तो थिंकिंग या फिर आफ्टर थिंकिंग, दोनों में से किसी को आप लगा सकते हैं। बहुत ही इसी में सेंटेंस बनाया जा रहा है, जो कि आप बनाइए प्रैक्टिस कैसे गाइस। इसे मैं अपराधी होने से डरता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग क्रिमिनल, इस पार से आप समझ सकते हैं बीइंग क्रिमिनल, बीइंग बीटन, बीइंग अरेस्टेड, इस पार से सेंटेंस बनाया जा रहा है। अब आगे यूज है गाइस बीन का, अब बीन मतलब होता है किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है या किया गया है, तो फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट जो समझेंगे गाइस, आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या हो सकता है, आपका बाय के साथ ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सेंटेंस आपका ये पैसिव है, कोई काम किया जा चुका है, जैसे यह रूम साफ किया जा चुका है, तो करने का काम कोई और किया है, अब कौन किया है पता नहीं, लेकिन एक्टिव सेंटेंस में जो काम करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है और वो सेंटेंस में रिटर्न होता है, लेकिन इस सेंटेंस में रिटर्न नहीं है, तो बनाते हैं दिस रूम हैज बीन क्लीन्ड। इसी प्रकार से तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, यू हैव बीन टॉट, इसी प्रकार से राहुल को बाजार भेजा गया है, राहुल हैज बीन सेंट टू मार्केट, आम तोड़ा जा चुका है, मैंगोज हैव बीन प्लग्ड, इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है, जो कि हैज और हैव बीन के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर कुछ आपका और भी वर्ड आता है तो आप उसे अदर वर्ड कहते हैं, या फिर अगर जो काम किया है अगर वो आ रहा है तो बाय के साथ आप लिख सकते हैं उसे।
इसी प्रकार से आगे हैं बिन, और बिन से मतलब है से रहा है, तो आप इसे बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बिन प्लस और फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस या फोर के साथ आप टाइम भी देते हैं। इट मीन सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जो कि आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। से वो बचपन से अंग्रेजी बोल रहा है, अब ये कोई काम पास्ट टाइम से अभी तक हो रहा है, तो बनेगा सेंटेंस कि ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। इसी बार से सेंटेंस बनेगा आपका कि राहुल सुबह से काम कर रहा है, तो राहुल हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब ये मॉर्निंग के पहले, चाइल्डहुड के पहले आप सिंस का यूज करते हैं सिंस और फॉर में, जो कि मैंने टेंस की वीडियो लेक्चर में इसे कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार से अमन 30 मिनटों से पत्र लिखता आ रहा है, तो अमन हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 30 मिनट्स। इसी प्रकार से यहाँ पर से के लिए जो है आप सिंस या फॉर का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर आपका यूज किया गया है। आगे आपका तुम 6 महीनों से परीक्षा की तैयारी करता अधिक करता आ रहे हो, आ रहे हो, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो सेंटेंस बनेगा यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 6 मंथ्स। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है बहुत ही इसी कॉन्सेप्ट में। आगे गाइस आपका बिन, और बिन से मतलब है से रहा था, कोई काम किसी समय से रहा था। अब देखिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट होगा हैड बिन वर फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम होगा। अब देखिए एग्जांपल कि राहुल 2 महीनों से इस कंपनी में काम कर रहा था, तो राहुल हैड बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 मंथ्स। इसी प्रकार से हम लोग 5 सालों से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 ईयर्स। अमन 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अमन हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज। इस प्रकार से कई से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। मेरा भाई 4 सालों से, देखिए मेरा भाई 4 सालों से मैदान पर दौड़ रहा था, कोई काम किसी टाइम से कर रहा था, तो बनेगा सेंटेंस माई ब्रदर हैड बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड फॉर 4 ईयर्स। इस प्रकार से इस फॉर का मतलब है से, और इस फॉर का मतलब है 4, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे आपको गाइस हैड बिन, जिसका मतलब होगा कोई काम किया जा चुका था। अब देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, ये आपका पैसिव में है, और इसका जो सेंटेंस होगा, इसका फॉर्मूला होगा, ये आपका हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैड बिन वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। इसे आप कहते हैं क्योंकि सेंटेंस रियली ऑब्जेक्ट ही होता है, जैसे कि आप पैसिव सेंटेंस में लिखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि सड़क बनाया जा चुका है, तो बनेगा सेंटेंस द रोड हैड बीन बिल्ट। अब सड़क तो आपका ऑब्जेक्ट है, ये बनाया कौन पता नहीं, लेकिन सेंटेंस आपका सड़क ही यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर काम करेगा, इसलिए जनरली अगर मैं सीधा सीधी बात करूं तो वो आपका ऑब्जेक्ट ही रहता है। जैसे देखिए पत्र लिखा जा चुका है, अ लेटर हैड बीन रिटन। इसी बार से हम लोगों को खाना खिलाया गया है, सॉरी खिलाया गया था, तो बनेगा सेंटेंस वी हैड बीन फेड द फूड। फीड मतलब होता है खाना खिलाना, खिलाना के सेंस में आप बोलते हैं, और फीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका फेड। इसी प्रकार से आप आगे सेंटेंस समझते हैं, बीन बीन मतलब हो जाएगा आपका किया जा चुका होगा। कैसे किया जा चुका होगा आप फॉर्मूला से समझ पाएंगे। फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट होगा आपका विल हैव बीन होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप समझते हैं कोई काम किया जा चुका होगा। अगर मैं जनरली बताऊं तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं क्या अदर वर्ड लिख सकते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट के स्थान पर आप अदर वर्ड लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए सब्जियां बेची जा चुकी होगी, आप किसकी बात की जा रही है, फ्यूचर की बात करी जा रही है और पैसिव की बात की जा रही है, तो बनेगा सेंटेंस द वेजिटेबल्स विल हैव बीन सोल्ड। इसी प्रकार से रवि के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय रवि। आपका जो काम करने का जो डू काम करने वाला जो डूअर है सेंटेंस में, जो काम कर रहा है वो अगर आ रहा है, तो बाय के साथ आप उसे लिख सकते हैं, चाहे वो नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, कुछ भी रहे। इसी प्रकार से तो सेंटेंस है सड़क बनाया जा चुका होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, हो जाएगा द रोड विल हैव बीन बिल्ट। इसी प्रकार से गली कल तक सजाया जा चुका होगा, तो सेंटेंस बनेगा द स्ट्रीट विल हैव बीन डेकोरेटेड टिल टुमारो। सेंटेंस बहुत ही इजी वे में कौन बना बनाए जा चुके हैं। आगे गाइस आपका बिन, बिन से मतलब के से कर रहा होगा, अब फ्यूचर आपका सेंटेंस होगा, तो बनेगा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस, जिसका सब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो सेंटेंस बनेगा
ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग। वहां पर आप सिंस का यूज करते थे प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, वहां पर आप सिंस के स्थान पर आप फ्रॉम का यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि वे लोग 2022 से अपना व्यापार कर रहे होंगे, अब यहाँ पर 2022 से हैं और 2022 में आपके 12 महीने हैं, किसी महीने से स्टार्ट करेंगे लेकिन वो टाइम आपका फ्यूचर ही होगा क्योंकि अभी 2022 चल रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा दे विल हैव बीन डूइंग देयर बिजनेस फ्रॉम 2022। तुम अपना काम कल कर रहा होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, कल कर रहा होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए कल कर रहा होगा या फिर कल से कर रहा होगा, कल से कर रहा होगा सेंटेंस बनेगा यू विल हैव बीन डूइंग योर वर्क। अब कल से कैसे हो जाएगा? फ्रॉम टुमारो, कल से फ्रॉम टुमारो। इसी प्रकार से हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे तो सेंटेंस बनेगा वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। और इस सेंटेंस में आपका कोई टाइम नहीं है, इसका मतलब ये कि ये काम आपका एक लंबे समय तक चलेगा, इसलिए आप यहाँ पर विल हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा सकते। आगे गाइस आपका बी का यूज, जिसमें कि आप बी का मतलब होता है गाइस इंपरेटिव सेंटेंस में आप बी का यूज करेंगे, जिसका कि आप समझते हैं स्ट्रक्चर हो जाएगा बी प्लस एडजेक्टिव। एग्जाम्पल जैसे कि ईमानदार बनो तो आप बोलते हैं बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है। इस बार से अच्छे आदमी बनो बी अ गुड मैन या गुड पर्सन, इस पर से बोल सकते हैं। तेज बनो बी इंटेलिजेंट, आलसी मत बनो डोंट बी लेजी, इस पर से सेंटेंस आप बना सकते हैं बी की मदद से। गाइस मैं आपको बता दूं ये सो आपका बी है, बी का फर्स्ट फॉर्म आप इस तरह से समझते हैं इस एम आर होता है, और सेकेंड फॉर्म आपका वॉज वर होता है, और थर्ड फॉर्म आप जो यूज करते हैं वो आप विल बी को यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप बी को सारे कॉन्सेप्ट में आप समझ पाएंगे। तो फिलहाल आप समझिए कि बी का फर्स्ट फॉर्म आप इस एम आर की तरह यूज करते हैं और इस एम आर के कुछ अलग अलग यूजेस हैं। जैसे कि आप इस एमआर का यूज करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका रहा है रही है, मतलब कि कोई काम कर रहा है कोई काम कर रही है। अब देखिए फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट होगा इस एमआर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल जैसे कि राहुल किताब पढ़ रहा है तो राहुल इज रीडिंग अ बुक, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंटिन्यू है, जैसे कि सेंटेंस हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब जैसे तुम बाजार जा रहे हो यू आर गोइंग टू मार्केट, इस पर आप समझ सकते हैं, और इसे मार्केट की कुछ अलग यूज है जिसमें कि आप क्या बताते हैं एक स्टेट ऑफ बींग बताते हैं, प्रोफेशन बताते हैं, स्थिति अवस्था ये सब चीज बताते हैं आप इसे मार्क की मदद से। इसमें आपका फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका इस एम आर हो जाएगा, और इसे मार्क के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे वह एक डॉक्टर है ही इज अ डॉक्टर, इस वर्ष से राहुल खुश है राहुल इज हैप्पी, दूध सफेद होता है मिल्क इज व्हाइट, इस पर आप सेंटेंस बना सकते हैं बहुत ही इसी वे में। और देखिए मिल्क इज व्हाइट, राहुल इज हैप्पी, ही इज अ डॉक्टर, इस पर सेंटेंस बनाए जा चुके हैं। गाइस इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं वर्स वर मीन्स था थे थी, स्टेट ऑफ बींग बताते हैं, इसमें आपका क्या होता है प्रोफेशन आप दिखाते हैं, सिचुएशन दिखाते हैं, और नेचुरल कुछ भी चीजें आप दिखाते हैं, जैसे कि दूध सफेद होता है ये आपका क्या था एक नेचुरल था, नेचर का थिंग था, हम लोग की बस की बात नहीं है कि दूध को हम कुछ और कर दे, ये आपका नेचुरल है कि वो सफेद ही होता है, बाकी बात आप कुछ भी कर सकते हैं उसे। स्ट्रक्चर हो जाता है आपका सब्जेक्ट वाज द वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल होगा इस पर से वे लोग खिलाड़ी थे दे वर प्लेयर्स, वह एक इंजीनियर था ही वॉज एन इंजीनियर, राहुल कल उदास था राहुल वॉज सैड यस्टरडे, इस पर से सेंटेंस को बना सकते हैं। और वो से ओवर से हम बनाते हैं कोई काम आपका कंटिन्यू था पास्ट टाइम में, तो फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट वो से ओवर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल होगा जैसे कि अमन स्कूल जा रहा था अमन वॉज गोइंग टू स्कूल, तुम एक पत्र लिख रहे थे यू आर राइटिंग अ लेटर, हम लोग खाना खा रहे थे वी आर ईटिंग फूड, इस पर से सेंटेंस बनाए जा चुके हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में इतना ही।